बनाने में बिल्कुल झंझट नहीं और स्वाद इसका एकदम मार्केट जैसा है। तो चलिए आलू चाट टिक्की बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है दीदी की रेसिपी में। आज हम बनाएंगे आलू चाट, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लें। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी मीठी चटनी आलू चाट के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है और इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप चीनी। मैं यहाँ पे इमली का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डालूंगी ये आमचूर पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर लिया, मैं इसे ही डाल दूंगी। इमली हर किसी के घर पे अवेलेबल नहीं होती, तो मैं ऐसी चीज़ों से बना रही हूँ जो सबके घर पे हो। तो मैंने ये इसे पकने के लिए छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, और स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल देना है। और इसमें मैं डाल दूंगी 1 चुटकी भुना हुआ जीरा और इसे पकने देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी चटनी में थोड़ी सी मैं ये कलर डाल रही हूँ जिससे चटनी का कलर बहुत सुंदर लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी रहेगा। तो ये देखिए, लगभग हमारी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। तो मैं गैस को बंद कर दूंगी। तो देखिए दोस्तों, गैस को मैंने बंद कर दिया है, चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये ठंडी होगी तो और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही बंद कर दिया है गैस। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के आलू लिए, इसे मैंने बॉईल कर लिया है, तो इसे छील लेते हैं। तो मैंने इसे 1 सीटी के लिए पका लिया था, इसे ज्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो आलू फूट जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आलू मैंने छील लिया, तो एक आलू को लेना है इस तरह हथेली पे अपने दबा देना है और इस तरह से रख देना है। तो सभी आलूओं को मैं दबा ले रही हूँ इस तरह से, क्योंकि हम आलू टिक्की बना रहे हैं। तो बस इसी तरह से इसे दबा देना है, इस तरह से, ज्यादा पचकाना नहीं है, इस तरह से दबा लेना है। तो मैं सभी आलू को दबा ले रही हूँ इस तरह से। दोस्तों, मैंने तेल तवे पे फैला लिया है क्योंकि मुझे आलू टिक्की बनाना है, तो चारों तरफ मैं तेल को फैला ले रही हूँ इस तरह से। तो एक एक आलू को मैं इसके ऊपर, तवे के ऊपर बिछा दूंगी अपने आलू की टिक्की को। अच्छा सा इसे क्रिस्पी करारा बना लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने आलू टिक्की पे थोड़ा सा हल्दी स्प्रिंकल करूंगी और साथ ही मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ टेस्ट के लिए, और हल्का सा जीरा भुना हुआ जीरा पाउडर मैंने हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया है, और साथ ही मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालूंगी, इससे टेस्ट और बढ़िया जायकेदार बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आलू हमारी एक ओर से सिक गई है, तो इसे मैं पलट ले रही हूँ। तो एक साइड से ये करारी हो गई है, तो हमें दूसरे साइड से भी कर लेना है, एकदम कुरकुरी बना लेना है इसे। तो देखिए दोस्तों, आलू सिक गया है, तो मैं इसे दूसरे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। आलू टिक्की चाट हमारी कुछ ही देर में रेडी होने वाली है। तो आलू को मैंने सेक लिया, इसे साइड में रख देते हैं। तो कढ़ाई में मैंने हल्का सा तेल ले लिया, ये गरम हो गया है, और उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, अच्छे से इसे मिला लेना है। भून लेना है। और तो देखिए दोस्तों, मसाले में है अपनी आलू टिक्की, इसमें डाल देना है, अच्छे से इसे भून लेना है तेज आंच पे, ताकि इस पे मसालों का कोट हो जाए, अच्छे से चढ़ जाए मसाले इसके ऊपर। तो ये देखिए, आलू टिक्की ऐसे ही बहुत अच्छी लगने लगी है खाने के लिए। अभी तो हमें इसे सजाना भी है। ये देखिए,
तो देखिए दोस्तों, गैस को मैंने बंद कर दिया है। फिर हमें जिस प्लेट में सजाना है उसी प्लेट में निकाल ले रही हूँ मैं। वाओ, आलू में से खुशबू कितनी मस्त आ रही है। तकरीबन आधा कटोरी आलू टिक्की अंदर पानी डाल देना है, हमारा तैयार है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आलू चाट को सजाने जा रही हूँ, आलू टिक्की को। तो सबसे मीठी दही डालते हैं इस पे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास मीठी दही ना हो, अगर बासी दही है तो उस पे थोड़ी सी चीनी डाल के उसे फेंट दें। तो ये देखिए, दही डालने के बाद मैं इस पे डालूंगी जो हमने ये चटनी बनाई थी। तो ये मीठी चटनी, इसे भी घुमा देना इसके ऊपर। तो ये खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मस्त लगती है, ये देखिए। और इसके बाद ही मैं इसमें थोड़े से ये अनार के दाने हैं, इसे भी डाल देती हूँ। तो एकदम ये मार्केट जैसा इसका स्वाद आ जाएगा। और इसी के ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी हमारी तीखी वाली चटनी। तो खट्टी मीठी तीखी सब फ्लेवर इसके अंदर आने वाला है। और साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी ये प्याज। तो जब हम आलू को खाएंगे तो दांत के नीचे ये प्याज का क्रंच बनेगा, बहुत ही इसका टेस्ट डिलीशियस आएगा। और आखिरी में मैं इसके ऊपर डालूंगी ये सेव। ये देखिए, लगेगा ना एकदम लाजवाब, सुपर से ऊपर। ये देखिए झकास, मैंने इसे सजा दिया है। और हल्का सा इस पे मैं ये चाट मसाला डाल दे रही हूं। अब ये हमारा तैयार है, सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी। ये देखिए आलू चाट एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। तो फटाफट रेसिपी नोट करिए। देखिए यहाँ पे आलू टिक्की बन के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल मार्केट की तरह। तुम खाने जा रहे हैं? ये फ्रेंड्स, एक बाइट आपके लिए ए और एक बाइट मेरे लिए। तो खाइए। बहुत डिलीशियस बना, बहुत डिलीशियस, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ऐसी ऐसी रेसिपी आपको चाहिए तो हमारे वीडियो को पूरा देखें। इसका नाम है आलू और आप भी टिक्की, और इसे खाना पड़ेगा। चाट चाट कितना टेस्टी बना यार, बहुत टेस्टी।